पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल का आज जिला मुरादाबाद में आगमन पर लगभग 100 चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहन बेहिसाब पैदल समूह के साथ एक विशाल रैली के रूप में पदयात्रा चौधरी चरण सिंह चौक से अहिल्याबाई होलकर चौक तक निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र अहिल्याबाई के रूप में उनकी सुंदर सी झांकी और बैंड बाजों के साथ भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर चौक पर माता अहिल्याबाई होलकर की छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। विकास नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए महानगर मंत्री गीता पाल ने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि हमारे समाज के ऐसे राष्ट्राध्यक्ष पाकर बहुत हम गौरवान्वित हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीरज पाल एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, डॉक्टर एपी सिंह आकाश पाल जिला अध्यक्ष भाजपा, उत्तम पाल वरिष्ठ भाजपा सदस्य लाखन सिंह, सुनील पाल, भूपेंद्र पाल, नितिन पाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय पाल महासभा, आज का दिन हम सब के लिए बेहद शुभ है। 1725 में जन्मी हमारी देवी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का आज हम जयंती मना रहे हैं। और क्यों ना मनाएं, देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जो संपूर्ण मानवता के लिए जिन्होंने काम किया, कुएं बनवाए, बावड़ियां बनवाई, अन्य क्षेत्र खुलवाए, और मुगल शासकों ने जब मंदिरों को हमारे हिंदुओं की आस्था को तोड़ा तो उन्होंने डट कर वहाँ पर उनका जीर्णोद्धार कराया, उनका निर्माण कराया। आज मैं इस अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह आगे आए। माता पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर की आज 299वीं जयंती है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर जो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू भाई हैं, वो सभी बड़े धूमधाम के साथ देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देशवासियों को भी बधाइयाँ देता हूँ। तब इंदौर से जाकर, चाहे काशी की बात करें, बनारस की बात करें, सोमनाथ की बात करें, देश के हज़ारों मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, उस युग में ऐसी कोई देवी इस धरती पर हो नहीं सकती। इसीलिए उन्हें प्रातः पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर की उपाधि दी गई। और 200 वर्षों तक किसी परिवार का 14 पीढ़ी तक राज रहो, लगभग 30 साल तक किसी मातृशक्ति ने अपने शासन और प्रशासन को कुशल तरीके से चलाया हो, सफल प्रशासक, कुशल शासक के रूप में जिन्होंने अपने शासन को एक हाइट दी, ऊंचाई दी, और दुनिया के अंदर देवी अहिल्याबाई के कार्यों को देश से बड़े सराहना के साथ, सम्मान के साथ पूछता है। आज देखिए हमारे वंश की जो देवी अहिल्याबाई होलकर जी हैं उनकी जयंती है, और उनकी जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी 299वीं जयंती है, और देखिए हमारे पाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि देवी माता लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने इतने सालों तक राज किया, और छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी हो गई, छोटी सी उम्र में ही वो विधवा हो गई, और छोटी सी उम्र में ही उनके पति, मतलब पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, तब भी उन्होंने अपना राजकाज संभाला, और एक कुशल शासिका के रूप में उन्होंने राज अपनी प्रजा में उन्होंने सुख शांति और सबका ध्यान रखा, और धर्म के उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। देखिए धर्म उनके लिए जो भी कुछ करे उसके लिए सब बराबर थे। उन्होंने न्याय का कभी भेदभाव नहीं किया कि कोई घर का व्यक्ति है या बाहर का, जो गलत करेगा उसको वो मिलेगा। और देखिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हुई हैं, ऐसी और भी रानियाँ हुई हैं, देखिए लक्ष्मीबाई जी भी हुई हैं और भी हुई हैं, लेकिन हमारी लोक माता जी ने, जितने भी मुगलों ने हमारे भारतवर्ष में मंदिर तोड़े, पूरे भारत में उन्होंने सब मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ हो, सबका उन्होंने निर्माण करवाया, जितने भी मुगलों ने मंदिर तोड़े। और एक हिंदू
जो सनातन हमारा धर्म है उसको एक विशेष दर्जा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।